हेलो एवरीवन, अंजू किचन में आपका स्वागत है। हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। इसके लिए हम लोग लिए हैं 1 कटोरी सूजी, आधा कटोरी चीनी, इलायची 2, थोड़ा सा किशमिश, काजू और बादाम कटा हुआ, घी 1 गिलास दूध। कढ़ाई को गर्म करते हैं, उसमें 2 चम्मच घी डालते हैं और सूजी को भूनते हैं। हल्का हल्का सूजी को हम लोग भूनेंगे चलाते हुए। जब हमारा सूजी इसी तरह भुनता रहेगा मध्यम आँच में, उसको भूनेंगे और ऐसे ही चलाते हुए भूनते रहेंगे। इसको चलाते रहना है, 1 मिनट भी इसको रोकना नहीं है। और हम लोग कम घी का इस्तेमाल इसलिए इसमें कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते हैं। आप चाहें तो इसमें घी और बढ़ा करके भी दे सकते हैं। कम घी में भी हलवा स्वादिष्ट बनता है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। आप बना करके इस तरह देखिए और हम लोग इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें हम लोग 1 गिलास दूध धीमी आंच में, बिल्कुल धीमा आंच को कर देना है, लो फ्लेम में इसको छोड़ देंगे और हम लोग चाशनी की तैयारी में जुट जाएंगे। इसको धीमी आंच में मिला करके ऐसे ही छोड़ देंगे। अब चाशनी की तैयारी करते हैं। चाशनी के लिए हम लोग एक बर्तन इंडक्शन पर चढ़ाते हैं, उसमें 2 चम्मच घी लेते हैं और आधा कटोरी जो हम लोग नाप करके चीनी रखे हुए हैं उसको इसमें ऐड करेंगे। और इसको बिल्कुल लो हीट में करना है हमको, नहीं तो ये जल सकता है, इसीलिए इसको पिघलाना है हमको चीनी को, इसलिए बिल्कुल लो हीट में ही, इंडक्शन का सबसे लो टेम्परेचर में इसको रख दीजिए। और ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत हो तो नहीं दीजिए। अब देखिए हमारा पिघल गया है चीनी, पानी की ज़रूरत नहीं है इसीलिए हम छोड़ देते हैं, इतना में हो जाएगा मेरा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा खोलने देते हैं, जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम लोग इसको, देखिए हमारा उबाल पानी में उबाल आ चुका है, इसका कलर भी बहुत सुंदर आ गया है। अब इसको हम लोग सूजी में डाल देंगे धीरे धीरे, धीमी आंच में ही अभी हम लोग डालेंगे इसको और फिर मिलाते हुए मध्यम आंच करेंगे। और इसको जल्दी जल्दी हम लोग मिलाएंगे और इसका जो पार्टिकल्स इसमें नहीं बनना चाहिए, गांठ नहीं बनना चाहिए, इसको जल्दी जल्दी गांठ को तोड़ते हुए मिलाएंगे। और बहुत जल्दी जल्दी इसको मिलाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से इसका पूरा जो गांठ है उसमें नहीं रहना चाहिए। इसे अच्छे से इसको छोलनी से मिला लीजिए और मिलाते हुए इसको गाढ़ा कीजिए। अब इसमें हम लोग इलायची को चूर करके, 2 इलायची है उसको चूर के डाल देते हैं, इससे हलवा का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और चाहिएगा आप चाहें तो इसमें केसर भी मिला सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए हम अभी केसर नहीं डाले हैं, इससे हलवा का रंगत बहुत अच्छा आता है, इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें 2 चम्मच घी हम लोग ऐड कर देते हैं। घी का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, फिर भी हलवा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। इस तरीके से आप बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में। देखिए अब हमारा हलवा सूख गया है, इसको हम लोग इसी तरह धीरे धीरे मिला लेंगे। ये देखिए अब हमारा तलवा से निकल गया है, कढ़ाई हमारा छोड़ दिया है। अब 1 मिनट के लिए हम लोग इसको और भूंजते हैं। देखिए हमारा कितना अच्छा भूंज करके कलर आया है इसका, सुनहरा कलर, भले ही लबालब घी नहीं इसमें झलक रहा है,
लेकिन जब खाइएगा तब इसको समझ में आएगा कितना स्वादिष्ट बना है। ये अब परोसने के लिए तैयार है। अब जो हम लोग ड्राई फ्रूट काट करके रखे थे इसको ऊपर से हम लोग सजा लेंगे एक प्लेट में निकाल करके। ये देखिए मेरा कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही अच्छे व्यंजन को देखने के लिए अंजू किचन को सब्सक्राइब करें।